लद्दाख सीमा पर हुई झड़प में भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद से भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। रक्षाबंधन से लेकर अब तक हुए त्योहारों में कारोबारियों से लेकर आम लोगों तक ने चीनी सामान का बहिष्कार किया, जिससे चीन को तगड़ा नुकसान हुआ। वहीं व्यापारियों के संगठन दिवाली में भी चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने को तैयार है। इसी बीच सोशल मीडिया पर चीनी पटाखों को लेकर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें बताया गया है कि चीन भारत में लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले पटाखे और सजावटी लाइट्स भेज रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस वायरल मैसेज का सच। वायरल हो रहे व्हाट्सएप मैसेज में गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से दावा किया जा रहा है कि चीन भारत में ऐसे पटाखे और डेकोरेट लाइट्स भेज रहा है जिनसे लोगों को अस्थमा की बीमारी हो सकती है, साथ ही इनसे आँखों से जुड़ी बीमारियाँ भी फैलेंगी। केंद्र सरकार के एजेंसी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने जब इस वायरल मैसेज की पड़ताल की तो पता चला कि गृह मंत्रालय की ओर से ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई है। गृह मंत्रालय के किसी अधिकारी ने चीन से पटाखे और लाइट्स भेजे जाने का दावा नहीं किया है। मैसेज में गृह मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर विश्वजीत मुखर्जी के हवाले से कहा गया कि इंटेलिजेंस के मुताबिक चूँकि पाकिस्तान सीधे भारत पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए उसने भारत से बदला लेने की चीन से मांग की है। चीन ने भारत में अस्थमा फैलाने के लिए पटाखों का विशेष प्रकार तैयार किया है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला धुआं छोड़ेगा। इसके अलावा भारत में नेत्र रोग बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के सजावटी लाइट्स बनाई जा रही है। इनमें बड़ी मात्रा में पारा का इस्तेमाल किया गया है। मैसेज में सलाह दी गई है कि चीनी उत्पादों का इस्तेमाल न करें। वहीं PIB का कहना है कि लोग इस तरह के फर्जी व्हाट्सएप मैसेज से सावधान रहें और उन्हें आगे बढ़ाने से पहले हर संभव स्तर पर परख लें। बता दें कि हर साल में रक्षाबंधन से शुरू होकर दिवाली तक त्योहारी सीजन में घरेलू बाजार चीन से आयात किए गए उत्पादों को पट जाते हैं। अनुमान के मुताबिक दिवाली पर भारत में 40,000 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादों का कारोबार होता है। G3 न्यूज़।